हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो नहीं बोलूँगा गाइस, मैं व्लॉग नहीं बोलूँगा, वीडियो बोलूँगा, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्योंकि गाइस आपको मैं पेपरों के बारे में बताने लगा हूँ कि हमारे ना गाइस पेपर जो थे ना वो पोस्टपोन हो गए। जो 15 को पेपर था ना वो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि हॉलीडे पड़ गई थी, विंटर हॉलीडे वो पड़ गई 17 तक हॉलीडे पड़ गई, और ऊपर से पेपर ना हमारा पोस्टपोन हो गया अकाउंट्स वाला। तो अभी हम गाइस बैठ के पढ़ ही रहे थे, देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे भी कॉपी वगैरह पड़ी है, तो पढ़ ही रहे थे अभी। तो अब 18 को लगने स्कूल, पहले स्कूल वाले बोलते हैं कि आपको सीधा बिजनेस के पेपर में आना है, आपका जो पेपर है पोस्टपोन हो गया। अब दोपहर को 12 बजे के करीब मेरे को मैसेज आता स्कूल वालों की तरफ से कि आपका जो पेपर था ना वो होगा 16 को, रीशेड्यूल हो गया, जो 15 को था वो 16 को हो जाएगा। अब तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, पेपरों के बाद के ब्लॉग इतने मज़ेदार आने वाले हैं ना, इतने मज़ेदार मैं आपको बता नहीं सकता। मज़ेदार की बात सुन के इसको देखना कैसे उठा ये। हेलो गाइस, क्या बोलना चाहता है अगर तेरे को छुट्टियां बढ़ गई हैं? छुट्टियां बढ़ गई तो बढ़े जा, तो और बढ़ाएगा तब और मजा आएगा ना। दो दिन की बढ़ाई है, उसमें क्या फ़ायदा? दो दिन की नहीं, ज़्यादा बढ़ाई है, 12 दिन की। कैसे? 17 को स्कूल खुली है ना। हाँ, 17 को नहीं, 18 को खुले, ऐसे 15 को खुले थे, उसके बाद 6 के बाद इन्होंने और बढ़ाई। वो क्यों गिन रहे हो? वो भी तो गिननी है ना, 6 के बाद वाली भी गिननी है। मैं तो 15 की बोल रहा हूं, 15 के बाद इन्होंने सिर्फ 17 को दी है। इसको तो मजे हो जाते हैं, इसको आता कि बस गाइस हमारा स्कूल अब टाइम चेंज हो गया 11 बजे। सही बात, सही बात, हमारा ना टाइम चेंज हो गया अब 11 से 3 इनका होगा, हमारा होगा 11 से 1:30 या 11 से 2:45 ऐसा करीब। टाइम भी चेंज हो गया क्योंकि सुबह सुबह धुंध रहती है, 10:30 बजे तक धुंध रहती है, तो हमारा पेपर का टाइम भी 10:30 का है कल। तो पूरा रेडी वगैरह कर लेंगे, तैयारी वगैरह। 18 को ही जाना अब, मैं आपको सरप्राइज देने। बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, सरप्राइज वगैरह मतलब कि बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बस यही सोच लो। अब हिंट आप खुद निकाल लो क्या होगा क्या नहीं, बस मैं इतना बोलता हूँ बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, तो ये वाला वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय माता दी।